पूजा करने के बाद अपने डेस्टिनेशन ठोरी चलते हैं। इंडिया और नेपाल दोनों जगह चल के हम अपने शूटिंग को आगे बढ़ाएंगे और अपने थरवर के कलाकार से जो भी होगा हम आगे प्रमोट करेंगे। सो मैं बस वहाँ 6 किलोमीटर दूर है अभी, हमें अपने डेस्टिनेशन से नेपाल बॉर्डर पे पहुंचेंगे, वहाँ पे नो मैन्स लैंड में चल के फिर एक वीडियो हम अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वज्रपात न्यूज और हमारे यूट्यूबर का ब्लॉग जो कि हमारे साथी कैमरामैन है। चार बजने वाला है, 3:56। थोड़ी देर बाइक चलाने के बाद हम पहुंच गए हैं हरनाटार। हरनाटार पहुंचे और हम है धर्मजीत भैया के दुकान के सामने जो सेटर लगा हुआ है, और धर्मजीत भैया भी आए नहीं है, अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, थोड़ी देर के बाद आए हैं हमारे भैया जी, और यहाँ पे लाइट वेट है नहीं, ठीक है, तो खाली दांतों भर दिख रहा है। दोस्तों देखिए कितना रविंदर जी मेहनत कर रहे हैं, और इतने 4 बजे सुबह में ये जा रहे हैं अभी थोड़ी, और वहाँ का नज़ारा भी दिखाएंगे। और देखिए कितना ठंड है, हम लोग जो है एक ये सारा कुछ लगाया है, जैकेट वैकेट सब पहन लिए हैं, और ऊपर का 4 पहाड़ करा है। वहाँ दिखाएंगे फिर ये क्या क्या वहाँ करने वाले हैं, ठीक ना। और इनके ब्लॉग में आप लोग बने रहिए, काफी मेहनत करते हैं ये और काफी अच्छा इनका ब्लॉग आता है। तो बस दोस्तों आप सब बने रहिए हमारे दोस्तों। देखिए अब हम पहुंचे हैं पेट्रोल पंप, जो हरनाटार में पेट्रोल पंप, पहले पेट्रोल पंप जो पड़ता है उसमें थोड़ा बहुत अब गाड़िया को भी खाना वाना चाहिए ना, तो इसके लिए हम पेट्रोल वेट्रोल डलवा रहे हैं, पर यहाँ से निकलते हैं हम फिर हम। और ये है हमारे रवि बाबू। तो दोस्तों तो देखिए हम कहाँ पर पहुँचे हैं, थोड़ी दूर थोड़ी देर कष्ट सहने के बाद, ऊपर खावड़ रास्ते पार करने के बाद हम और धर्मजीत भैया और हमारे हीरो साहब पहुँचे हैं। आगे दिखाइए, देखिए कहाँ पर पहुँचे हैं, ये देखिए ये कितना अच्छा सा घर है ये, और ये है भानु जी का, ठीक है, ये भानुप्रिया जी का घर है, और हम घरवा में प्रवेश करने वाले हैं और आप सबके भी प्रवेश करवाते हैं आप सबको, ठीक है। ठंड इतना काफ़ी लग गया है ना कि मुहवा में लिपसिंगवा नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए देखिए देखिए, तो आप सब बने रहिए और फिर हम मुलाकात करवाते हैं आप सबको, ठीक है। और हम आए हैं पहली बार तो देखिए, और यहाँ पे देखिए भानु जी और हमारे प्यारे भैया जी है प्रभु जी, प्रभु जी, ठीक है। तो हम लोग का अब शुरू हो रहा है, तो देखते हैं कहाँ पे जाते हैं और कहाँ पे रुकते हैं, ठीक है। तो बस आप सब बने रहिए और देखते हैं कहाँ पे जाते हैं हम लोग प्रभु जी। तो गाइस हम पहुँचे हैं, हम पहुँचे हैं पिपरा माफी, जो रामनगर के बाजू में पड़ता है। हम यहाँ तक आ चुके हैं, अब देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, ठीक है। और बने रहिए हमारे ब्लॉगों में, देखिए वहाँ पे बना रहे हैं शॉट, यहाँ पे रवि जी बना रहे हैं शॉट, और यहाँ है हमारे प्रभु जी, हाय हाय हाय, धर्मजीत भी हमारे यहाँ पे है, सुबह हो चुका है और सुबह हो चुका है, देखिए आपको सूर्य नमस्कार करवाते हैं, देखिए। दोस्तों हम पहुंचे हैं चल के सोहद्रा माँ का स्थान साइड पड़ता है, सोहद्रा माँ का दर्शन कर रहे हैं, प्रवेश गेट मेन गेट, तो हम अंदर प्रवेश करने वाले हैं, तो चलते हैं अंदर फिर आपको दिखाते हैं सोहद्रा माँ का मंदिर, और वहाँ पे देखिए सोहद्रा माँ का माता जी का स्थापित है, और हम हैं अंदर पूजा करने के लिए। तो अब हम जा रहे हैं, थोड़ा बहुत पूजा करते हैं, और यहाँ पे भीड़ बहुत दिखी है, और इधर देखिए पत्रकार साहब है हमारे, और भीड़ अभी बहुत है, देखिए देखिए कितने लाइन लगे हुए हैं, और
तो फिर आपसे मिलते हैं फिर पूजा करने के बाद, ठीक है? अब सब बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो दोस्तों हम माता जी का दर्शन किए और देखिए दर्शन किए, हम तिलक नहीं लगाए, अभी तिलक लगा के आते हैं, ठीक है? फिर आपसे बतियाते हैं, ठीक है? मिलते हैं अभी, वन सेकेंड। तो बस दोस्तों देखिए अब तिलक लगा के आए, अब कैसे दिख रहे हैं, ठीक है? ऐसा लग रहा हो कि काल खांसी खटाने के लिए जा रहा है, ठीक है? भेड़ा वाला मन वो है, ठीक है ना? तो अब हम लोग दर्शन किए माता जी का और अब हम निकल रहे, जो काम से आए थे वो काम के लिए हम लोग निकल रहे हैं। और हमारे ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं हमारे सब रेडी हो चुके हैं माता जी का दर्शन करके। तो बस आप सब बने रहिए हमारे ब्लॉग में और देखिए देखिए कहाँ कहाँ हम जाते हैं, ठीक है? चलिए हमारे सीओ साहब बैक टू पेवेलियन, थोड़ा पेट पूजा करते हैं, उसके बाद पेट पूजा करने के बाद अपने डेस्टिनेशन ठोरी चलते हैं। इंडिया और नेपाल दोनों जगह चल के हम अपने शूटिंग को आगे बढ़ाएंगे और अपने थरवर के कलाकार से जो भी होगा हम आगे प्रमोट करेंगे। सो मैं माता के मंदिर सुभद्रा में हूँ, अभी यहाँ पे माता का दर्शन करके हम अभी जा रहे हैं जमुनिया। हमारे मित्र दर्शवर जी है जो कि हमारे कोनाहा प्रखंड के भद्रपात न्यूज का ये रिपोर्टर है और प्रखंड ब्यूरो है, उनके यहाँ जाके हम कुछ नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम ठोरी चलेंगे। ठोरी पहुँच के हम भिकना ठोरी इंडिया में और नेपाल के ठोरी में भी जाके कुछ शूटिंग करेंगे, अपने थरोट के कलाकार को हम आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद। ओके गाइस, हम मस्ती में जुटे हुए हैं अभी, बस वहाँ 6 किलोमीटर दूर है, अभी हमें अपने डेस्टिनेशन से नेपाल बॉर्डर पे पहुंचेंगे, वहाँ पे नो मैन्स लैंड में चल के फिर एक वीडियो हम अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भद्रपात न्यूज और हमारे यूट्यूबर का ब्लॉग जो कि हमारे साथी कैमरामैन है। तो देखिए दोस्तों हम लोग का यहाँ पे खाना बोलिए नाश्ता बोलिए हो गया है और हम यहाँ सब निकल रहे हैं अपने काम के लिए, जिस काम से हम लोग आए हैं तो उस काम के लिए हम निकल रहे हैं। बस आप सब हमारे ब्लॉगों में बने रहिएगा एकदम लास्ट तक, ठीक है? हम दिखाते हैं क्या क्या हो रहा है और क्या क्या मस्ती हो रहा है, ठीक है? बस आप सब बने रहिए। और हम जहाँ पे रुके हैं ये सामने देखिए, यहाँ पे स्कूल है उच्च विद्यालय और इसके जस्ट सामने पेट्रोल पंप, ये साइड में पेट्रोल पंप है आपको दिख रहा होगा और स्कूल के सामने एकदम ये होटल है, यही पे हम लोग रुके थे और यही पे थोड़ा नाश्ता वास्ता हुआ। यहाँ पे देखिए दोस्तों मकई का पोडरी चल रहा है और देखिए मूली पे छत्ते लगाकर, छोटे छोटे छत्ते लगाकर कितने अच्छे से सिंचाई कर रहा है सब मकई का। और मकई भी देखिए कितना सुंदर निकला हुआ है, बहुत एकदम मस्त मकई निकला है, सिंचाई बहुत। तो दोस्तों कुछ देर उबड़ खाबड़ रास्ते चलने के बाद थोड़ा देर जंगल में आए, बहुत परेशानी हुआ जंगल में क्योंकि जंगल का रास्ता थोड़ा बहुत ख़राब है, तो जंगल में हमको दिक्कत बहुत हुआ, उठा उठा कर पटक रहा था जंगल में, ठीक है? एकदम मस्त, यहाँ का पानी जो झरना जो बह रहा है ना, पानी इतना सुंदर सुंदर और हवा भी बह रहा है ना, तो बहुत एकदम आनंद वाला हवा और ठंडा ठंडा लग रहा है, एकदम एकदम जन्नत। बाजू में देखिए कितना बड़ा पहाड़, एकदम जन्नत से भी ऊपर है, इतना बड़ा पहाड़।
तो देख रहे हैं ना, सभी लोग बने ब्लॉग बनाने में लग गए हैं और यहाँ पे हमारे प्रभु जी बैठे हैं। तो बस आप सब बने रहिए हमारे ब्लॉग में और देखिए हम क्या क्या। ये बच्चे सब देखिए टूर पे आए हुए हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। क्यों, मजा आ रहा है ना आप सबको? आनंद आ रहा है ना? हम लोग भी आए यहाँ पे घूमने के लिए पहली बार, तो बहुत आनंद आ रहा है और देख रहे हैं। तो देखिए कितने बच्चे सारे आए हैं एकदम टूर पे। यहाँ पे बहुत आते हैं टूर पे बच्चे घूमने के लिए। कहाँ कहाँ पे घर है बाबू आप लोग का? तो यहाँ पे सब लाइन से एक साइड लगे हुए हैं और अच्छे से जाएंगे ताकि कोई घटना ना हो। ठीक है, तो आप सब बने रहिए हमारे ब्लॉग। देखिए हम बैठे हैं कहाँ पे, जो थोड़ी का जो पुल है ना, इस साइड आपको पुलवा दिखाई देगा। देखिए वहाँ 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 बहुत दूर है, दिखता भी नहीं है। हम वहीं पे बैठे हैं और पनिया के किनारे बैठ कर इंतज़ार कर रहे हैं हीरो हीरोइन का सेट होने का। ठीक है, और बस थोड़ा थोड़ा ब्लॉग बना रहे हैं। और यहाँ पे पहाड़ देखिए एकदम हुस्न पहाड़ों का, ओ साइबा, बहुत मस्त जगह है घूमने के लिए। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं कि हम किधर जाए किधर जाए किधर नहीं जाए। तो अब और हम रुके हैं यहाँ पे, देखिए थोड़ी जंगल रिसोर्ट। ठीक है, और यहाँ पे साइड में है जंगल थोड़ी रिसोर्ट, आप देख सकते हैं यहाँ जाते हैं। बस हम निकलते हैं आगे की तरफ। देखिए दोस्तों, हम
काम करते करते थक चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग अब थकान दूर करने के लिए चाय मंगाए हैं, और हम कहाँ पे चाय पी रहे हैं पता है आप लोगों को? थोड़ी जंगल रिसोर्ट वाला जो है ना, उसी के अंदर हम पी रहे हैं। देखिए देखिए देखिए, सब लोग चुस्की मार मार के पी रहे हैं सब चाय, पता नहीं कितना मज़ा आ रहा है सबको, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पे बहुत देर तक रुके, ठीक है। काम दूसरा करना था लेकिन काम दूसरा हो रहा है, और खाली खाली पीने में लगे हुए हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से, अब बैराकूट करते हैं, और थोड़ा बहुत काम बचा है, बहुत कुछ काम बचा है, तो उसको पूरा करते हैं फिर निकलते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम उन लोगों का झूले में बैठे हैं सब, और हम ले रहे हैं नीचे से सूट, ठीक है। हम आ रहे हैं नीचे और वो सब है ऊपर। तो हमारे हीरो और हीरोइन थक चुके हैं वीडियो बनाते बनाते, ठीक है। और ये लगता है डंडा का चढ़ाई है, जो दोन में चढ़ते हैं ना, डंडवा जैसा चढ़ाइया पड़ रहा है। तो दोस्तों हमारा शूट एक गाने का कंप्लीट हो गया है, और हम निकल रहे हैं यहाँ से दूसरे लोकेशन की तरफ, और यहाँ पे भानु जी का कुछ फ्रेंड मिले हैं, तो उन लोगों को बता रहे हैं और बतिया रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ब्लॉग यहीं तक हम बना पाए, क्योंकि अंधेरा हो चुका था, उधर से आते आते हमको बहुत अंधेरा हो चुका था, और हम घर पर पहुंचे 8 बजे के करीब, हम घर पर पहुंचे तो रात हो गया था फिर रात को, इसलिए हम नहीं बनाई क्योंकि अंधेरा अंधेरा आ रहा था। पहले फर्स्ट में आप देखे होंगे कि हम जब सुबह भी निकले थे तो अंधेरा अंधेरा था, तो हम अंधेरा हो गया था इसलिए हम ब्लॉग नहीं बनाए। तो घर पे आके थोड़ा सा लास्ट में बोल देते हैं, अगर आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो आए तो आपके पास सबसे जल्द पहुँच पाए। बस दोस्तों यही था ब्लॉग में, कुछ खास नहीं था, और हमसे कुछ गलतियाँ हुई उधर जाके, क्योंकि अब क्या ही बताया। बस आप सब बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और आप सब हमें प्यार दुलार दीजिए, और हमें सपोर्ट कीजिए, हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट पे कैसा लगा ब्लॉग आप लोगों को कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।